नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आपको बता दें कि जिला प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है और सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। ईवीएम मशीनों को जिला कांगड़ा के 15 स्ट्रांग रूमों में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और जिले के 15 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहाँ 8 दिसंबर को मतगणना भी होगी। और आपको बता दें कि ईवीएम के लिए पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम के लिए पुलिस जवानों का सख्त पहरा लगाया गया है। वहीं आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, कांगड़ा के एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ईवीएम की सुरक्षा को 3 घेरों में बांटा गया है। वेयर हाउस में 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। सुरक्षा में तैनात किए गए सभी जवान हथियारबंद हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से हम सिक्योरिटी प्लान बना के भेजते हैं, जो कि अप्रूव होता है। तो एज़ पर दैट प्लान हमारा यहाँ पे 15 स्ट्रांग रूम है और प्रत्येक स्ट्रांग रूम में इसको 3 टीयर जो है हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। सबसे जो अंदर का टीयर है, इनर मोस्ट टीयर जो है कॉटन जो है, जहाँ स्ट्रांग रूम का तार लगा है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा का फीड आता है, उस पोर्शन को हमारा जो है CAPF जिला कांगड़ा में BSF की 45 सेक्शन एक स्ट्रांग रूम में 3 सेक्शन रखती है, वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा JBT टेट परीक्षा में इस बार BEd वालों को भी एंट्री देने पर JBT प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने भारी रोष प्रकट किया है। आज JBT प्रशिक्षित बेरोजगार संघ द्वारा धर्मशाला में रैली का आयोजन कर बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि जब तक जारी आदेशों को रद्द नहीं किया जाता, JBT कर रहे प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार जारी रहेगा। JBT प्रशिक्षुओं का कहना है कि JBT टेट में BEd को लाने से हमारे हकों को छीना जा रहा है। हम तब तक कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे जब तक शिक्षा विभाग इसे ठीक नहीं करते। वहीं JBT संघ का कहना है कि शिक्षा बोर्ड का ये बहुत गलत निर्णय है और इससे प्रदेश में 45,000 JBT के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा विभाग 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देकर BEd को एंट्री दे रही है, लेकिन वो नोटिफिकेशन तो राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और हिमाचल में भी केस रिव्यू के लिए हाई कोर्ट में लगा हुआ है। जो हमारी आज ये रैली निकाली है, ये एक्चुअली कक्षाओं का बहिष्कार किया गया है। जो हमारे JBT प्रशिक्षु हैं उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया है। पूरे हिमाचल में जितनी भी हमारे टाइट हैं, जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब ने क्लासेस का बाइकआउट किया हुआ है यहाँ से। हमारा मेनली हमारा ये है कि हम जो हमारी JBT टैट है, इस पर जो JBT टैट की नोटिफिकेशन आई है उसमें इन्होंने BEd को एंटर करने की बात की हुई है। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ने इस पर जो नोटिफिकेशन की हुई है उसमें वो तो उन्होंने JBT टैट में BEd को एंटर करने की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और युवाओं के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर और समाजसेवी बनाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि बीते 50 सालों से नेहरू युवा केंद्र निरंतर कार्य कर रहा है और नेहरू युवा केंद्र सोलन में आज अपना 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने की और इस मौके पर जफर इकबाल ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं को समाजसेवी और एक अच्छा नागरिक बनने का कार्य कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज स्थापना दिवस पर सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ें। आज हमने एक लघु नाटिका के जरिए नेहरू युवा केंद्र के कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाई लोगों में। नेहरू युवा केंद्र नशे मुक्त केंद्र के बारे में भी बताता है लोगों को। वह रोजगार भी कैसे हासिल कर सकते हैं युवा, ये भी बताता है। वो अनेकों तरीका के उनके हुनरों को बाहर लाता है, जैसे कि पेंटिंग, कोई पेंटर होता है, कोई कार्टूनिस्ट होता है। ऐसे तरह से अलग अलग प्रभावशाली युवाओं को कैसे ऊपर तक पहुंचाया जा सके, ये काम है नेहरू युवा केंद्र का। नेहरू युवा केंद्र का फाउंडेशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपसे बात करूँ तो नेहरू युवा केंद्र आज युवाओं के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है। उनको रोजगार के अवसर और नए नए और भी चीज़ों के लिए कैसे आज हमारा जो युवा है उसको और ग्रोथ प्रोवाइड की जा सकती है, इसके लिए जो है आज प्रयत्न कर रहा है। जिला सोलन में नेहरू युवा केंद्र का 50th फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन आज हो रही है। तो नेहरू युवा केंद्र जब एज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था, इसका मेजर रोल ये है कि नेशन बिल्डिंग में
रूरल एरिया के लोगों को, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, उनकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, और जिन जिन लोगों में प्रतिभा है उनको एक मंच दिया जाए, चाहे वो कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, या किसी भी शोबे में वो अच्छा काम करते हों, वो उस अपने कलाओं के थ्रू, स्किल्स के थ्रू कैसे नेशन बिल्डिंग में सहयोग कर सकते हैं, वो एक इसका मुद्दा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नालागढ़ से खबर है जहाँ पर जोग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया है और संस्था के अध्यक्ष जगपाल राणा ने एसडीएम कार्यालय में सुप्रीडेंट के माध्यम से मुख्य सचिव को पत्र भेजकर चिकित्सकों के पद भरने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने पर अगर ये मांग पूरी नहीं की गई तो वो 15 जनवरी के बाद क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। वहीं ज्ञापन में ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगपाल राणा ने कहा कि नालागढ़ अस्पताल में छोटे मोटे ऑपरेशन करवाने के लिए बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए रेडियोलॉजिस्ट का पद पिछले एक साल से खाली पड़ा है। सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है और इन महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जबकि सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधा मुफ्त में की गई है। यहाँ पर मेडिसिन विशेषज्ञ ना होने से भी रोगियों को PGI रेफर किया जाता है। हमने आज ज्ञापन दिया है नालागढ़ हॉस्पिटल की जो खस्ता हालत है इसको देखते हुए चीफ सेक्रेटरी को, एसडीएम साहब नालागढ़ के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि 15 जनवरी तक सरकार जिसकी बननी है बन जाएगी, 15 जनवरी तक सरकार बनने के बाद यहाँ पे पूरे डॉक्टर आए, यहाँ पे किसी के अगर स्टंट पड़ना है तो वो भी कार्डियो का यहाँ डॉक्टर आए, बच्चों के डॉक्टर आए, यहाँ पे आँखों के ऑपरेशन यहाँ हो, सभी प्रकार के ऑपरेशन थिएटर यहाँ हो, हमें PGI ना जाना पड़े, या अगर यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं तो करिए, वरना यहाँ रेफर हॉस्पिटल इस नालागढ़ पे यहाँ लिख के इसको, या रेफर हॉस्पिटल लिख के इसको बंद कर दिया जाए। ये हमने इसमें लिखा है कि पूरी फैसिलिटी यहाँ हमें चाहिए, हम अब ना रोपड़ जाएंगे ना हम PGI जाएंगे, इसको IGMC की तर्ज पे, इसको मिनी PGI की तर्ज पे इसको अपग्रेड किया जाए, ये हमने आज ज्ञापन दिया है। इतनी बड़ी वादी है, VVND है, तो जो यहाँ पे अदर स्टेट के रहते हैं वो भी, और हमारी पब्लिक अंडे वाले बच्चे, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भौगोलिक स्थिति है, कुछ प्लेन है कुछ पहाड़ी है, तो हॉस्पिटल की ये फैसिलिटी होनी चाहिए। जो मांग तो बिल्कुल जायज है, ये तो बहुत टाइम पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर मांग रखी है तो अभी भी जो सरकार बनती है उससे हम मांग करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए, रेफर हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, कि रेफर जो भी आए उसको, चाहे वो मरीज सीरियस हो ना हो, रेफर कर देते हैं, रेफर नहीं होना चाहिए, बस मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी जो सरकार बैठे हो नालागढ़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और धर्मशाला के साथ लगे मैकलोडगंज नड्डी गांव के पास गुना माता ट्रैक के ट्रैकिंग पर निकला विदेशी पर्यटक लापता हो गया, और आपको बता दें कि प्रशासन ने SDRF की टीम के साथ उसकी तलाशी के लिए सर्च अभियान चलाया हुआ है। बताया जा रहा है कि उक्त पर्यटक अमेरिका का रहने वाला है और उसका नाम मैक्स मिलियन लॉरेंस है, और यह नड्डी गाँव के आरा कैंप में पिछले 15 दिनों से ठहरा हुआ था। वहीं 7 नवम्बर को फुल मून के दिन वह धन्य साधना के लिए गुना माता ट्रैक पर गया था, और उसने 8 नवंबर को संदेश भेजा था कि वह रास्ता भटक गया है, और इसके बाद आरा कैंप के प्रबंधक ने उसके लापता होने की सूचना थाने में लिखवाई। वहीं जिला कांगड़ा के SP खुशवाहा शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की टीम और SDRF की टीम पुलिस जवानों के साथ उस विदेशी को तलाश कर रही है। एक अमेरिकन टूरिस्ट यहाँ एक आरा कैंप है नडी में, वहाँ पे वो पिछले 14 दिन से डेली ऊपर जाकर वापस आता है शाम को, बहुत ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर, बहुत हाइट में नहीं गया वो। उसकी जो लास्ट लोकेशन भी थी जो उसने बताई थी, जब मालिक को बताया था 8-9 तारीख को, तो वो भी उसकी वहीं की थी। तो अभी हमारी टीम्स जो है वो जिला प्रशासन की टीम जो है, SDRF की टीम जो है, वो सर्च कर रही है। लोकल लोग भी इसमें मॉनिटरिंग सर्च कर रहे हैं, मॉनिटरिंग शूट के भी हैं। अभी इसका कोई क्लू नहीं मिला है, और अभी हमने आज डॉग स्क्वाड भी भेजा है और वहाँ पे ड्रोन कैमरे भेजा हुआ है। आज थोड़ा मौसम भी ख़राब है, तो अभी कोई इसका क्लू नहीं मिला है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और विश्व ख्याति प्राप्त WWE रेसलर दिलीप राणा और द ग्रेट खली के करनाल स्थित कॉन्टिनेंशियल रेसलिंग एंटरटेनमेंट एकेडमी में आयोजित वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप में जीत से योगेश चौहान और उनके साथ ही प्रदीप काफी उत्साहित हैं। सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ा के हरिपुर धार के साथ लगते गांव घड़िया के 24 वर्षीय योगेश पिछले 2 साल से यहां खली की अकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं और जानकारी के अनुसार यहां 2 साल में केवल फीस के लिए वो 3 लाख अदा कर चुके हैं और वो हिमाचल के एकमात्र प्रशिक्षु रेसलर हैं। योगेश की मिली इस पहली बड़ी जीत से उनके परिचित और क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह है। पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग बधाई दे रहे हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।